टू माई चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों दिस इज द 70 डेज कंप्लीट कोर्स एसएससी सीजीएल के लिए हमारा चल रहा है। चाहे आप एसएससी एग्जाम्स की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीपीओ की या रेलवे भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए ये सफिशियंट वीडियो है। हर एक में मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ। पार्ट वन और पार्ट टू ऑलरेडी करा चुका हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। ये है पार्ट थ्री। अगेन टाइमिंग बता दूं आपको, टाइमिंग है 11 से 1 बजे के टाइम अर्थमेटिक मिलेगा। आज लेट हो गया था, कल से आपको शेड्यूल पे मिलेगा। और एडवांस में था आपको डेली आपको 5 वीडियो मिलती है। इस तरह से 70 डेज के अंदर 350 वीडियो के अंदर मैं पूरा का पूरा मैथ प्री और मेंस दोनों अर्थमेटिक और एडवांस पूरा कंप्लीट कराऊंगा। जो लोग भी वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप अमाउंट स्मॉल अमाउंट 200 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हो भाया पेटीएम ऐप्स, तेज ऐप्स के थ्रू और अकाउंट के थ्रू, जिसमें और जो भी आप पे आउट कर दें तो आपको मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर दें मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि मैं आपको ज्वाइन कर दूं ग्रुप में, जहां पे आपको डाउट सेशन भी लिया जाता है, साथ ही साथ आपको पीडीएफ वगैरह सारा कुछ मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, इन ट्रेंगल एबीसी में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एसएससी एग्जाम में 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत गंदी तरह पीटा हुआ क्वेश्चन है। गंदी मतलब इतनी बार आ चुका है। हमारा टाइप वाइज सिलेक्शन है, इसलिए हर एक टाइप के क्वेश्चन को डिस्कशन करना मेरा काम है। तो एबीसी ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एबी माइनस बीसी इज इक्वल टू 2, एसी इज इक्वल टू 2√5 दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी। कोई हिंदी वाले स्टूडेंट्स, कोई ट्रेंगल ए बी सी में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी माइनस बी सी इक्वल टू 2, ए सी इक्वल टू 2√5 हो तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो हम क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रेंगल है। हमारे पास क्या है, ए बी सी राइट एंगल ट्रेंगल है और बी पे क्या है 90 डिग्री है। फिर कंडीशन यहां तक हो गया। अब ये दिया हुआ है, देखो ए बी माइनस बी सी क्या दिया हुआ है 2। लेट सपोज हम बी सी को एक्स मान लेते हैं। अगर बी सी को एक्स मानेंगे कि बी सी एक्स है तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो 2+x, तो ए बी क्या हो जाएगा 2+x, कोई दिक्कत नहीं है। और ए सी इज इक्वल टू 2√5, ए सी की वैल्यू दी हुई है 2√5। अब आपको पता है ना पाइथागोरस थ्योरम लगेगा 90 डिग्री पे, तो क्या होगा, इधर का स्क्वायर इज इक्वल टू इसके स्क्वायर, क्योंकि हम पढ़े हैं ना पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बस इस पे हम यूज करें, देखो पी ए स्क्वायर किसी को ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2+x का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 2√5 का होल स्क्वायर। अब देखो सिंपल एक्स स्क्वायर ब्रेक कर लें, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4+4x, अपने अकॉर्डिंग ब्रेक कर लेना, मैंने अपने अकॉर्डिंग ब्रेक किया है। आप x प्लस 2 का स्क्वायर लिखो या 2+x का होल स्क्वायर लिखो, बात तो बराबर है ना। तो इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 4 × 5 यानी कितना हो गया 20। तो इधर देखो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ये देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है यहाँ पे देखो ये 4x है और ये इधर चला गया 20-4, तो ये क्या बन गया 16। हमारे पास क्या आ गया 2x² + 4x इज इक्वल टू 16। 2 कॉमन कर लूँ तो x² + 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 16। ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 8। हम इसको इधर लेके आते हैं तो x² + 2x - 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर देते हैं, यहाँ पे देखो x² + 2x - 8 इज इक्वल टू 0। तो x² + 8 को ऐसे ब्रेक करूं कि 2 बन जाए तो 4x - 2x - 8 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन ले लूं तो क्या हो गया x+4, इसमें -2 ले लूं तो क्या हो गया x+4 इज इक्वल टू 0। अब x+4 कॉमन है तो x+4 कॉमन कर लो तो इधर क्या बच जाएगा x-2 इक्वल टू 0। एक बार ये 0 होगा तो x+4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4। एक बार इसको 0 करूं तो x-2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। अब देखो ये साइड है ना, ट्रेंगल की साइड गिवेन है तो कभी साइड निगेटिव नहीं होगी, साइड निगेटिव नहीं होगी तो x की वैल्यू क्या हो गई 2। लो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गया, हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गया तो ये कितना होगा 4 और ये दिया हुआ है 2√5। हमसे निकाला क्या जा रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी क्या होगा। तो देखो साइन स्क्वायर ए इस एंगल की बात कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग पी क्या होगा ये वाला, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच,
तो पी टू टू बाई एच, एच कितना है 2√5, तो 2√5 का क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर सी। अब इस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल के लिए पी क्या हो जाएगा ये, यानी कि 4/2√5 का होल स्क्वायर। सिंपल, तो अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर 2 से 2, इधर क्या हो गया 2/1/5 का होल स्क्वायर यानी कि 1/5 माइनस, इधर कितना ऊपर हो गया 4/5, 1-5, 4-5 को एलसीएम लेके करो तो कितना हो गया 3/5, कर लो यार सिंपल है, 5, 1-4 तो कितना हो गया 3/5, 3/5 क्या हो गया राइट आंसर हो गया। ये तो रहा हमारा बेसिक अप्रोच, की बेसिक अप्रोच क्या, हमने सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाया, क्वेश्चन कंडीशन दिया होता हमने बन लिया। क्या इसका शॉर्ट अप्रोच भी हम कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। कैसे? हम ट्रिपलेट पढ़े हैं, ट्रिपलेट का यूज करेंगे। जैसे देखो हमारे पास कंडीशन जो लिखा हुआ है वो मैं लिख देता हूं, हमारे पास ये दिया हुआ है लो ए बी और सी गिवेन है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो हमारे पास अगर दिया हुआ है ए बी माइनस बी सी, बी सी को अगर मैं एक्स मानता हूँ तो एक्स मानता हूँ तो ए बी क्या हो जाएगा इधर चला जाएगा 2+x, यानी कि 2+x लिखो या x+2 बाद में, ए सी गिवेन है ना 2√5, इतना इन्फॉर्मेशन था। हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के एक्स की वैल्यू फाइंड आउट किया, नहीं हम अपने से सोचो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, इंटीजर होगा 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेगा एक्स की वैल्यू क्यों। अब तुम सोचो छोटा से, अब मैं देखो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो क्या फॉलो करेगा, ट्रिपलेट फॉलो करेगा। जैसे हम कहते हैं कि 3, 4 तो नेक्स्ट साइड क्या होता है 5, यानी ट्रिपलेट फॉलो करेगा। तो हम एक्स की वैल्यू 1 लेके चेक करते हैं, अगर एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं तो इधर क्या हो जाएगा 3, क्या ये इक्वल है, हम पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा है 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, और इधर करेंगे तो क्योंकि देखो ये पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होना चाहिए, एच स्क्वायर करूंगा तो ये क्या होगा 20, क्या 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा, नहीं, यानी एक्स की वैल्यू 1 ले नहीं सकते। तो अब क्या लेंगे, अब देखो अब क्या ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू 2 लेके चेक करते हैं, देखो एक्स की वैल्यू 2 लेके चेक करते हैं, अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 ले रहा हूं तो इधर क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 16 और 4 कितना हो गया इसका स्क्वायर 20, यानी कि हम क्या कर रहे हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, क्या ये होल्ड कर रहा है 16 और +4 20 इक्वल टू 20, एस होल्ड कर रहा है। तो इस तरह से हमारा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट डायरेक्टली हो गई, कि क्या एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 2, हमें उतना जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2, इधर क्या आ गया आपको एक्स की वैल्यू 4 और ये आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है निकाल लो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी पूछ रहा है, तो साइन स्क्वायर ए, इस ए एंगल की बात करें इसके लिए क्या हो जाएगा पी, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, पी क्या हो जाएगा ये 2/h क्या है 2√5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर सी, सी के लिए पी कौन सा होगा ये, यानी कि 4/2√5 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल कर इसको 2, यानी 1/ इधर क्या हो गया 5 माइनस इधर क्या हो गया 4/5, 1/5 माइनस 4/5 क्या हो गया 3/5, आंसर इससे भी क्या आ गया 3/5। तो हम ट्रिपलेट के भी सहारे हम क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके ऑटोमेटिक सोच सकते थे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन बता दूं ये क्वेश्चन आपको एसएससी एग्जाम से गंदी तरह पीट चुका है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन देखो, ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, कोई एक त्रिभुज हमारे पास क्या है एबीसी है, हमारे पास एक ए बी और सी त्रिभुज है। क्वेश्चन कर रहा है बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, लो यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। अब कंडीशन दिया ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू 2, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 2, और क्वेश्चन में ए बी गिवेन है, ए बी क्या है 2√6, ए बी गिवेन है क्या 2√6। अब देखो ए बी गिवेन है 2√6, ध्यान दो, तो अब तुम सोचो बी सी को लेट सपोज मैं एक्स मान लेता हूं, अगर बी सी एक्स मानता हूं तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर चला जाएगा तो 2+x, कोई दिक्कत नहीं है, या x+2 बोल लो या 2+x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, तो 2+x। दूसरा उल्टा भी मान सकते थे, ऐसे भी मान सकते थे, आंसर सेम ही आएगा। किसी लोगों को ये डाउट हो रहा होगा ना कि सर मैं ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू क्या मान लूँ
टू दिया हुआ है, सर आप बी सी को ही क्यों एक्स माने, ए सी को मान लेते हैं एक्स, तो लो भाई 90 डिग्री है, ये तो 2√6 गिवेन है क्वेश्चन में, ए बी और सी, हम ए सी को एक्स मान लिए तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ए सी को एक्स मानेंगे तो बी सी इधर जाएगा और टू इधर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू, तो बी सी क्या हो जाएगा इस केस में एक्स माइनस टू, मान सकते हैं ऐसे भी, ऐसे भी मान सकते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं, दोनों से कर लेना आंसर सेम आएगा। लो मैं तो पहले मेथड से कर रहा था ऊपर वाले से, लेकिन आप लोगों को डाउट हो रहा होगा तो इसीलिए मैं दूसरे वाले से करा दे रहा हूं, आप पहले वाले से भी करके चेक कर लेना, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हम मानने के ऊपर डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करा दें, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 2√6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पे मैं ब्रेक करूं इसको तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये कितना हो जाएगा 2 × 4, 4 × 6 = 24 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये देखो 24 × 4 कितना हो गया 28, और इसको इधर मैं लेके जाऊं तो कितना हो जाएगा 4x, तो x की वैल्यू क्या आ गई डायरेक्टली 7 आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई, हम इस फिगर को लेके चले थे ना, आप इसी फिगर को भी लेके चलोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी, तो देखो x की वैल्यू ये हमारा 7 आ गया, तो ये कितना होगा 7 − 2 यानी कि 5 आ गया। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर c, cos स्क्वायर a देखो cos स्क्वायर a, a की इस एंगल की बात की जा रहा है, cos थीटा क्या होता है बी बाई एच, इस पी ए होगा बी बाई एच, बी ए बन जाएगा यानी 2√6/7 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर सी, सी की बात इस एंगल की बात किया जाए इसके लिए पी ए हो जाएगा, पी बाई एच होता है 2√6/h7 का होल स्क्वायर, देखो ये दोनों तो सेम ही है, कट के क्या हो गया 0, तो दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, की आंसर इसका क्या होगा 0। लेकिन देखो ये तो बेसिक अप्रोच है, सारे लोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम कंपटीटिव एग्जाम फाइट करने जा रहे हैं, अगर मैं होता आपकी जगह पे मैं होता तो मैं इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बोल सकता था कि 0 होगा, कैसे वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, देख के ही पता चल जाता है कि इसका आंसर 0 होगा, कैसे वो चीज दिखाता हूं। जैसे देखो आपके पास दिया क्या हुआ है, ध्यान से देखना, हमारे पास ट्रायंगल ए बी और सी दिया हुआ है, ये ट्रायंगल कितना है 90 डिग्री है, हमसे देखो क्वेश्चन फाइनली पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन, ये गिवन है लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, 2√6 अगर बी सी को मान लेते हैं, ए सी को मान लेते हैं एक्स, ए सी अगर एक्स है तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा 2 − x, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो सॉरी बी सी अगर मैं ए सी को एक्स मान लेता हूं तो बी सी इधर जाएगा और इधर एक्स माइनस टू हो जाएगा यहां पे, ये तो जरूरत ही नहीं है इसकी, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, अभी देख लो जरूरत, एक तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने बना लोगे क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आप ध्यान दो थोड़ा सा, देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन कॉस स्क्वायर ए पूछ रहा है, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, और साइन स्क्वायर सी पूछ रहा है, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, ध्यान दो यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर डायरेक्ट मैं लिखता हूं, जरूरत ही नहीं है एक्स की वैल्यू निकालने की, देखो कॉस थीटा की बात करें, कॉस ए की बात, ए है ना बी बाई एच, बी कौन सा हो जाएगा, देखो इधर सामने पी हो जाता है, बी ये वाला हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट ये वाला पोर्शन लिखें ए बी, ए बी डिवाइडेड बाई एच कौन सा है ए सी वाला पोर्शन का होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर सी अब इस एंगल की बात कर रहा है, साइन थीटा के लिए पी वैल्यू ये होगा, तो साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, पी कौन सा हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई एच, एच क्या है ए सी है, देखो डायरेक्टली क्या हो जाएगा फाइनली 0 ही आएगा आंसर, तो इस तरह से हम आसानी से ऑटोमेटिक सोच सकते थे, इस क्वेश्चन को बनाने की भी जरूरत नहीं थी, हमें देख के पता चल जाता है ऐसे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे बी बाई एच और पी पी बाई एच ये दोनों क्या है साइन कॉस अपोजिट हैं, तो ऑलरेडी हो जाएगा क्या हो जाएगा। अगर मेथड 3 अभी मैंने नहीं बताया है, मेथड 3 मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कि एक चीज होता है कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो साइन a इज इक्वल टू क्या हो जाता है cos b, या cos a इज इक्वल टू क्या होता है sin b। आप देखो यहां पे इस क्वेश्चन में
अप्लाई कर सकते थे कैसे, देखो बी 90 डिग्री, ए और बी तो कुछ भी हो सकता है यार, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री हो, ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस वाई होता है, कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन वाई होता है, ये आपको आगे जाके मैं कराऊंगा। तो यहां से भी आप सोच सकते थे कैसे, देखो ये बी 90 डिग्री है तो ए प्लस सी, देखो बी अगर 90 डिग्री है तो हमें ट्रेंगिल में क्या होता है, ट्रेंगिल में तीनों का सम 180 डिग्री होता है, अगर बी 90 डिग्री है तो ए प्लस सी भी क्या, देखो बी 90 डिग्री हमें कोण ए कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू क्या, एंगल 180 डिग्री, अगर बी 90 डिग्री है तो हमारे पास 90 डिग्री है कोण ए प्लस कोण, चलो आगे लिख ही लेता हूँ एक लाइन, तो देखो ए प्लस सी कोण ए प्लस कोण सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 उधर जाएगा यानी 90, यानी हमें पता चल गया ना कि कोण ए प्लस कोण बी कोण सी क्या है, 90 डिग्री है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कॉस ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, साइन सी लिख सकता हूँ, या दूसरा ऐसे भी लिख सकता था साइन ए इज इक्वल टू क्या, कॉस सी, तो देखो डायरेक्ट ही कॉस ए इक्वल टू साइन सी लिख सकता हूँ, कॉस ए इक्वल टू साइन सी यानी साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर सी, डायरेक्ट भी जीरो कह सकते थे इस क्वेश्चन का आंसर। तो तीन मेथड मैंने आपको बता दिया, आपको जो प्रोसेस सही लगता है आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी आपको एसएससी प्री एग्जाम में पूछा गया है, प्री एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या है 7, और अल्फा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ही बता देता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट चार होता है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ, इसका हम जब पार्ट फोर वीडियो आज जो करेंगे ना इसमें पूरा का पूरा क्वाड्रेंट ही जानेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये देखो जीरो होता है, ये 90 होता है, ये 140 होता है, ये 270 और ये फिर 360, यानी 0 से 90 के बीच ही, इसके बीच कह रहा है कि अल्फा बिलोंग करता है, यानी अल्फा ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन अल्फा सारा पॉजिटिव होगा, इसका बस इतना ही सेंस था। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को एक तो बेसिक अप्रोच से करेंगे, दूसरा बाय ऑप्शन करेंगे। बेसिक अप्रोच क्या है, बेसिक अप्रोच क्या है कि मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, देखो पहले 2 साइन अल्फा को ऐसे ही लिख दो, 2 साइन अल्फा, मैंने आपको बताया था कल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, अगर हमें लिखना है कोस स्क्वायर थीटा तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो लो कोस स्क्वायर अल्फा इसको लिख सकता हूँ 15 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या 7, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं किसी एक में कन्वर्ट कर दिए तो उससे क्या होगा साइन अल्फा निकल जाएगा तो टेन अल्फा निकाल देंगे आसानी से। तो देखो अब इसको सोल्व करूँ 2 साइन अल्फा, कोई दिक्कत नहीं सोल्व करते हैं, प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 7। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इस 15 को हम डायरेक्ट इधर ले जाएं, देखो इधर ले जाते हैं, चलो इधर ले जाते हैं, तो इधर ले जाएं इसको इधर ले जाते हैं तो क्या हो गया 15 पॉजिटिव हो जाएगा, 15 साइन स्क्वायर अल्फा ये इधर जाएगा इक्वल टू के बाहर तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा, ये इधर जाएगा, चलो और ये इसको यहीं पर रहने दो इसको इधर भेज दो तो 15 माइनस 7 कितना हो गया 8 इज इक्वल टू 0। आप अपने से कैलकुलेशन कर लेना, ये मेरा तरीका है कैलकुलेशन का, तरीका सबका अपना अलग अलग होता है। अब देखो अब ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे ब्रेक करते हैं, 15 इंटू 8 मल्टीप्लाई करो 120 को ऐसे तोड़ो कि इसका जो डिफरेंस आ जाए क्या हो जाए 2 आ जाए, तो 12 इंटू 10 मल्टीप्लाई करता हूं तो 120 और डिफरेंस क्या आ रहा है 2, तो मैं इसको ऐसे सोल्व कर सकता हूं 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस क्या लिख दूं यहां पे प्लस 10 साइन अल्फा माइनस क्या लिख सकता हूं 12 साइन अल्फा, घट जाएगा तो क्या यही बन जाएगा माइनस 2 साइन अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसमें से मैं क्या कॉमन कर लेता हूँ 5 इन दोनों में से 5 साइन अल्फा कॉमन कर लेता हूँ, एक मिनट इरेज कर लूँ ताकि अच्छे से दिख जाए। लो हमने क्या किया इसमें से 5 साइन अल्फा कॉमन कर लिया तो ये इधर क्या बचा 3 साइन अल्फा प्लस 2 यहाँ बच गया माइनस, इधर से मैं क्या कर रहा हूँ 4 कॉमन कर रहा हूँ तो 4 कॉमन करूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 साइन अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों कॉमन है तो ये एक जगह लिख दें 3 साइन अल्फा प्लस 2 माइनस ये वाला एक साइड लिख दें तो 5 साइन अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सिंपल था। अब देखो इसको जीरो करेंगे तो 3 साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2
साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या, माइनस टू बाई थ्री। साइन अल्फा की वैल्यू कभी माइनस टू बाई थ्री होती ही नहीं है, क्योंकि साइन अल्फा बिलोंग कहाँ से करता है, माइनस वन से मैक्सिमम वन, तो माइनस टू बाई थ्री तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस वन से क्या हो गया, आप सोचो माइनस वन से और छोटा होते जा रहा है, माइनस वन से देखो साइन अल्फा का वैल्यू वन से बड़ा और इससे छोटा, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं निगेटिव हो सकता, देखो माइनस टू बाई थ्री इससे छोटा है, ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखो क्वेश्चन कर रहा है अल्फा बिलोंग कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल चीज क्या होती है, साइन कॉस टेन सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, ये निगेटिव आ गया, इसको नहीं ले सकते। तो अब इसको लें, फाइव साइन अल्फा माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर बाई फाइव। इसीलिए ये लिए हैं, इसको काट दिए हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अभी क्वाड्रेंट का नॉलेज आपको नेक्स्ट में दूंगा तो आप अच्छे से क्लियर हो पाए। साइन अल्फा मिल गया, लो भाई हमारे पास साइन अल्फा मिल गया, साइन अल्फा मिल गया, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर बाई फाइव। आपको पता है साइन अल्फा क्या होता है, पी बाई एच, तो आपको बी पता चल रहा है थ्री होगा, क्योंकि ट्रिपलेट हम पढ़े हैं थ्री फोर फाइव, दो दिया हुआ है, चार पांच दिया होता तो नेक्स्ट क्या होगा, तीन। हमें चाहिए क्या, टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या होता है, पी बाई बी, पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे चार, और बी की वैल्यू हमने निकाल दिया थ्री, तो फोर बाई थ्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये तो रहा आपको बेसिक अप्रोच, बेसिक अप्रोच था कि अगर हम क्वेश्चन ऐसे आएगा तो हम ऐसे कर लेंगे, इसको क्या हम शॉर्ट अप्रोच से कर सकते हैं, एस बाई ऑप्शन कर सकते हैं, कैसे वो चीज सिखाता हूं। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ, टू साइन अल्फा प्लस फिफ्टीन कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सेवन। हमसे पूछ रहा है क्या टेन अल्फा की वैल्यू, आप सोचो टेन अल्फा होता क्या है, पी बाई बी, लो यानी कि ये p की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, हर में ये p की वैल्यू है ये b की वैल्यू है। अब अपने से सोचो, ध्यान से सोचो, साइन देखो साइन अल्फा क्या होता, साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच, और cos थीटा क्या होता है, b बाई एच, ठीक है। अब ये देखो अगर तीन चार है तो अगर p बाई बी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइव हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ऑप्शन को इलिमिनेट कैसे करेंगे, ध्यान से थोड़ा देखना। देखो एक तो वे है क्या, वो चीज बताता हूं, हम टेन अल्फा की वैल्यू ही मान ले कि इसमें से कोई एक है, लेकिन अब सोच कुछ लोग सोच रहे होंगे सोचेंगे कैसे, तो देखो सोचेंगे कैसे कि ऑप्शन कैसे हट जाएगा, देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान रखो। अगर ये देखो यहां पर क्या होगा, पी बाई एच होगा, लेकिन यहां पर देखो बी बाई एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अगर देखो अगर सिंपल सा चीज सोचो, अगर साइन अल्फा की वैल्यू, अगर साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू अगर इरेशनल हो जाता है, इरेशनल मतलब रूट में आएगा, ठीक है, मतलब अगर रूट में आएगा तो क्या कभी, और इधर देखो इसका स्क्वायर एच स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव, रूट का स्क्वायर तीन का स्क्वायर ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इधर अगर रूट आया तो कभी सात बन सकता है, नहीं बन सकता। यानी देखो एच निकालो, एच क्या होता है, देखो चेक कर लो एच किसमें रूट में नहीं आ रहा है, एच चेक कर लो किसमें रूट में नहीं आ रहा है, देखो चार का स्क्वायर सोलह और प्लस पांच का स्क्वायर कितना, पच्चीस, सोलह नौ पच्चीस कितना, रूट फोर्टी वन, फोर्टी वन कितना होगा, रूट में आ गया, रूट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ फोर्टी वन रूट करेंगे, यहाँ फोर्टी वन, यहाँ फोर्टी वन तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ रूट कहाँ से जाएगा, क्योंकि हमें सात लेना है। इसका देखो टू का स्क्वायर कितना होगा, फोर, और प्लस वन का स्क्वायर वन, ये भी रूट में आ जाएगा, रूट फाइव होगा, क्योंकि हमें पता है ना h क्या होता है, अंदर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर रहे हैं, इधर h करूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 और प्लस वन रूट सत्रह, नहीं हो सकता, और इधर h करूंगा तो कितना हो जाएगा, अंदर रूट थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर 16, नाइन प्लस 16 कितना हो गया 25, यानी कि पांच। अब देखो ये ऑप्शन आया पांच, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन मार सकते थे, लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो डायरेक्ट इसको रख लेते हैं ना। देखो टेन अल्फा की वैल्यू हमने मान लिया कि फोर बाई थ्री है, P बाई क्या हो गया B, तो H की वैल्यू क्या आ गई, पाँच। हम चेक कर लेते हैं सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, टू इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या होता है, P बाई एच, पी की वैल्यू फोर, H की वैल्यू फाइव, प्लस फिफ्टीन इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, B बाई एच, थ्री बाई फाइव का क्या है, होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सेवन के इक्वल आ जाएगा कि नहीं आएगा। देखो ये कितना हो गया, चार दूनी आठ, एट बाई फाइव, ध्यान देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, एट बाई फाइव प्लस इधर देखो 15 इंटू नाइन बाई कितना है, 9 बाई 25, देखो
तो 5 3 15, 50 25, ठीक है, ये हो गया 5 3 15 और 5 × 5 25, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, बस ध्यान से देख लेना कहीं गलती ना हो जाए हमसे, बाकी तो आसान है। देखो दूसरी चीज, अब सोचो 8 बाई 5 हो गया और इधर क्या हो गया, इधर देखो 27 बाई 5, 27 बाई क्या हो गया 5, 27 8 कितना होता है 35, 35 बाई 5 तो कितना कट के क्या हो गया 7, यानी प्रूफ हो गया कि RHS 7 के इक्वल है, यानी टेन अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है 4/3। तो ये भी एक अप्रोच है, ये अप्रोच आपको देखने में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, अगर आप प्रैक्टिस करते तो डायरेक्टली ऑप्शन ये काट सकते थे, क्योंकि अगर नीचे रूट आ गया, अगर नीचे रूट आ गया इसके तो कभी 7 इंटीजर बन ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एच पॉजिटिव में आ जाता, इंटीजर में आ जाता, तो इसीलिए, ठीक है। तो ये रहा, अगर वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर अगर आपको रियल में वीडियो से हेल्प मिलती है तो कमेंट्स जरूर करें कि सच में आपको समझ में आता है कि नहीं है। हम पार्ट 4 भी आज ही देने वाले हैं, पार्ट 4 में पूरा क्वाड्रेंट के बारे में देखेंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट के बिना आप पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक में आगे नहीं बढ़ सकते, वो जरूरी है, क्वाड्रेंट आपके लिए बहुत जरूरी है, तो हम क्वाड्रेंट को देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये भी आपको प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। थैंक यू।